दो साल कोरोना काल की वजह से जो गणेश उत्सव की जो धूम था वह फीका था। इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के बाद देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कई पंडालों में अलग अलग थीम से पंडाल बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक पंडाल में हम पहुंचे हैं जो कि भिलाई के सेक्टर 2 में स्थित है। यहाँ पे जो थीम बनाया गया है उसको लेकर ये अब पूरे इस प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस पंडाल में उन पत्रकारों को समर्पित, उनको ध्यान में रखते हुए इस पंडाल में ब्रेकिंग न्यूज थीम के तौर पर यहाँ पे इस पंडाल का निर्माण किया गया है। इनका कहना है कि जब कोरोना काल में पूरा देश के लोग घर में बैठे हुए थे, कोरोना का प्रकोप था, ऐसे स्थिति में पत्रकार अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो खबर उन तक पहुंचा रहे थे जो लोगों को जानना था। उसी से प्रभावित होकर इस पंडाल का निर्माण किया गया है और इस पंडाल का नाम रखा गया है ब्रेकिंग न्यूज थीम। आप देख सकते हैं ये उन अखबारों का कटिंग पेपर है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज लिखा जाता था और खबरें लिखी जाती थी। उन अखबारों को यहाँ पे लाया गया है और उन्हीं अखबारों से इस पूरे पंडाल में सजावट की गई है। आप देखिए हर जगह पंडाल के ऊपर जितने भी ये झारा टाइप के जो झूमर टाइप के लटक रहे हैं ये पूरे अखबार है। इन्हीं अखबारों से इस गणेश पंडाल का निर्माण किया गया है और इसके साथ ही कई ऐसी कारीगरी का भी इसमें उपयोग किया गया है जो कि बड़ी कॉस्टली है। हमारे साथ इस पंडाल जो आज़ाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास राव जी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये थीम जो ब्रेकिंग न्यूज थीम है ये कैसे उनके मन में आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। श्रीनिवास राव जी, सबसे पहली बात तो ये थीम कैसा है कि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये पंडाल बनाया जाए इस बार गणेश पंडाल? जय गणेश। ये थीम ऐसा है मेरी, हम लोग हमेशा बड़े बड़े पंडाल बनाते थे। इस बार मैंने देखा कि जो कोरोना काल में जो पत्रकार बंधु लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जो अच्छे अच्छे खबर जो भी जो खबर आता था देखते थे, इन लोग बिल्कुल इतना जो सेवा दिए थे, तो मेरे को ऐसा मन में आया कि सारे पत्रकार बंधुओं के लिए एक ऐसा हम थीम बनाए जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो अच्छे जो खबर ऑल इंडिया के जितने भी खबरें हैं वो सारे खबरें इस पंडाल में लगे। तो ये पूरा पंडाल हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए समर्पित था। ये कितना का अखबार या जो भी आपका थीम में क्या क्या इसमें सामग्री यूज किया गया है और कितना अखबार इसमें लगाई गई है? इसमें 3 क्विंटल अखबार लगा है और इसमें आप देखने को मिलेगा सारी चीज़ कलकत्ता से मंगाया गया है। एक पाखुड़ी एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी मेरे ऊपर रोल किए हैं और रबर की सीट है और जो टोकनी है टोकनी ऊपर रबर सीट से जो ऐसा इतना मतलब बोला चाहिए कारीगरी जो की है बहुत ही मतलब बोला चाहिए कारीगरी भी मतलब बहुत तारीफ मैं कर सकता हूँ इन कारीगरों का। और इस बार आपको देखने को एक नया चीज़ मिलेगा कि इस पंडाल में DMS लाइट लगाया गया जो साउंड सिस्टम से लाइटिंग का पूरा मूविंग होगा जो अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसा लाइटिंग नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं सारे पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करता हूं कि ये आप लोगों का जो थीम है हमारे दिमाग में, हमारी पूरी समिति ने पूरा मेहनत किया और मैं चैनल के माध्यम से सारे पत्रकार बंधुओं का मैं बिल्कुल नमन और सम्मान करता हूं। और हम लोग जितने ब्यूरो चीफ हैं जो पत्रकार बंधु उन सब के लिए हम लोग मोमेंटो से एकदम स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करने का ऐसा हमारे समिति ने निर्णय लिया है। कितने कारीगरों ने अब तक ये पंडाल तैयार किया गया है और मतलब इस बार देखने लायक क्या रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इस बार देखने लायक मिलेगा हट के आपको, क्योंकि हमेशा हम लोग बड़े बड़े पंडाल बनाते थे। इस बार सारी पत्रकार बंधुओं पे है, मतलब जो पेपर कटिंग का आपको मिलेगा ये आप साइड में देखेंगे, जो रस्सी भी जो लगा हुआ है ये भी पूरा पेपर का है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी से गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ और यही कामना करता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल आगे बढ़े। क्या ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा गणेश पंडाल हो जिसने पेपर और ब्रेकिंग जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला पंडाल है कि पूरे पेपर कटिंग से बन रहा है, रबर शीट से बना है, एक अद्भुत नज़ारा है। आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही हट के एक नया चीज़ है। और इसमें मतलब लोगों के लिए मतलब AC की सुविधा किया गया है, डेली महाभंडारा का है आयोजन किया गया है, महाआरती, और यहाँ पर मूविंग झांकी के रूप में जो भगवान शंकर भोले बाबा की मतलब पूरा नौ रूप, और सबसे बड़ी बात है कि माता की मूर्ति जब आप दर्शन करने आएंगे, नव दुर्गा माता का दर्शन करके आपको अंदर आना पड़ेगा।
तो ये पहला पंडाल है गणेश पूजा में जो माता के दर्शन करके आप आएंगे दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि श्रीनिवास राव का दावा है कि छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा पंडाल है जहां पे अखबारों से पूरी तरह से बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तर्ज पर बना हुआ है। आप देखिए यहां पे जो लाइटिंग भी जो की गई है वो भी कितनी शानदार लाइटिंग है, जिसमें आप जितने भी आप जो लाइटिंग में देख रहे हैं जो वो लटके हुए हैं जो क्या बोलेंगे जो वो पूरी तरह से पूरे अखबार से बने हुए हैं। अब जहाँ देखें हर तरफ अखबार की कटिंग दिख रही है, तो निश्चित तौर पे यह एक अलग तरह का थीम है जिसका नाम दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि भिलाई के सेक्टर 2 में बना हुआ है। और लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वह इस अद्भुत कारीगरी को देखने आए और गणेश उत्सव का जमकर मजा ले, फायदा उठाए। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।